उनके पीए कौन है, पीए नहीं उनके जो खास लोग सब है वो लोग, पहले तो हम लोग जब गए वहाँ पे तो हम लोग ऑडियो सुना, पहले ऑडियो सुन ली जी जी बहुत बड़ो इसी का गाड़ी कहाँ पर कमी बाकी ना ये बताओ पीछे सब लोग मन से लाइक होके पड़ोसिया घर के बगल में आपके मन के लाइक जो भी होगा वो बगल में आपको देखना चाहेगा। देखिए सब कहिए नहीं बगल का आप लोग क्या कहता है इसके चक्कर में छोड़िए इतने जैसे कि आपको भी पता है छपरा जिला में सबको पता है कि पप्पू यादव सबसे खास हमें यहाँ पे ठीक है ना, और आपको हम हमेशा फोन करते हैं, आप परसों काम था आपको फोन किए किए कि नहीं, उम्मीद था किए जब लोग नहीं करेंगे पप्पू यादव के खास पर की बात हम जन नहीं तो पप्पू यादव के खास पर पप्पू यादव रॉन्ग डायल कर दिए अभी तक उनको हम लोग बहुत मानते थे। मरद में दोनों रहे सांसद कोई को घिन क्षेत्र में देवे लगी लंबा लंबा घूमता है तो चोर तिहार जेल में बंद रहे थोड़ा सजायाफ्ता आदमी उसको जल नहीं हो रहा था क्या बात करेगा। हाँ बोलिए जितना पिटाए काम के लिए कोई घर में बुझे उनका औकात बा जानकारी लेके आई ना चैलेंज उसमें है ना चैलेंज है तो कह क्या है ना चोरी चुप के क्या आता है ना ना तो अगर उसको नेतागिरी करना है तो कह क्या है ना पूरे चैलेंज है जल बाण वाले पूरे से साहबुद्दीन किया भेंट करे सलाह सजा वो साहबुद्दीन किया जिससे क्या बात करते हैं किससे भेंट करने जा रहा था टॉपिक की बात करें ना बाबू सुनो ना बड़ा खास बनी सबसे बड़ी बात नहीं नहीं आप फोटो देख लीजिए आपका इनके घर पर यही रहते हैं ये पटना में अभी है पटना में अभी है बबलू चौक फोटो बड़ा करिए ये बबलू चौबे जी हैं ये माँ बहन पप्पू यादव को और औकात बता देंगे दिखा देंगे इनको गाली दे करके लीजिए ना भैया ना बड़ा हो जाएगा जी पप्पू जी के सामने दिखाई अब इनके तरफ हमारे लोग माँ बाल तो नहीं करेंगे हमारे माँ बाल को गाड़ी देने से एम्बुलेंस मिल जाए और इनको क्या धमकी दिया आज रूडी जी के दामाद में इनको क्या लिखा है वो दिखाए संभाल के रहिए अपने दामाद अभी मैसेज किया है हिसाब से रहिए अपने ख्याल रखिएगा पापा जी की तरफ ख्याल रखिएगा।
यह है, इसमें ख्याल रखिएगा अपना। रूढ़ी जी के जो अभी शादी हुई है दामाद में, उसे एक जगह रखिएगा। क्या नाम है उनका दामाद? त्यागी। बंद हो गया। अब आप बताइए, तीसरा भी ऑडियो है जिसमें कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मरेगा पप्पू यादव। अभी उसको हम लास्ट बाद में दिखाएंगे। अब रूडी जी खुद उनका आवाज ये अभी नहीं दिखाएंगे, ये आपको कल या परसों आपको सुनाएंगे। वो एफआईआर करेंगे क्या जी? मामले में एफआईआर करेंगे वो? आप एफआईआर करेंगे इनको लगातार? हमको क्या जरूरत है एफआईआर करेंगे? नहीं, ये करेंगे, हम करेंगे, ये करेंगे। अब इनको धमकी मिल रहा है मारने का, बेचारा उनके घर के बगल, ये उनका घर कहाँ गया? हम मेरा पुराई पट्टी घर हुआ, उनका घर कैसे? दोनों का दीवार सटा हुआ है, दोनों का दीवार सटा हुआ। बताइए दोनों आदमी क्या चेन को खत्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूंकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।